अपने विंडोज के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करने के बाद अगर आपका डिस्प्ले सेटिंग्स या पर्सनलाइज अगर आपका ऑप्शन वहां पे वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से या ओपन नहीं हो रहा है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, तो आप इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे? आपको तो सबसे पहले अपने विंडोज का रन को आपको ओपन करना है, रन प्रोग्राम को ओपन करना है। तो उसे ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो रन प्रोग्राम है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और आपको यहाँ पे एक मैं कमांड बताता हूँ, आपको यहाँ पे उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है WSRESET.exe। आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं इसे आपको जूम कर कर भी दिखा देता हूँ WSRESET.exe। आपको इस कमांड को टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ पे आपका जो सिस्टम है आपका जो कैसे है वो यहाँ पे क्लीन होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो कैसे वगैरह है वो क्लीन होगा जो डिस्प्ले से रिलेटेड रहता है। तो इसे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो डिस्प्ले सेटिंग है या पर्सनलाइज है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर इसके करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज में जाना है, विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD और आपके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लेना है, जैसे मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे भी एक कमांड आपको टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC /scan now। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ SFC /scan now। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपका सिस्टम जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लगेगा, और रिपेयर होने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है स्कैन हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2% यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये 100% तक यहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, मैंने सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है, जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि मुझे और भी आपको प्रोसेस बताना है इसलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ। और क्लोज करने के बाद मैंने सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसके बाद आपको इसे क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको एक बार अपनी विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो डिस्प्ले सेटिंग है और जो पर्सनलाइज है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर ये सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ, फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ। तो फाइनल प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहां पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहां पे इसे ओपन कर लेता हूं। और हो सकता है आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो, अगर इन केस अगर आपके सामने अगर इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बाय व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन को ओपन करना है। और यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रिस्टोर से रिलेटेड यहाँ पे इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड। तो जैसे मैं आपको बता दूँ जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि रिस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर गए तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो उतना दिन पीछे चला जाएगा, मैंने आप यहाँ पे जितना भी डेट आप टाइम यहाँ पे सेट कर गए सेलेक्ट कर गए जितने भी टाइम को या जितने भी डेट को आप सेलेक्ट कर गए वो उस डेट के अकॉर्डिंग वो उतना दिन आपका पास्ट में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पास्ट में जाएगा, और जो ये प्रॉब्लम अभी आपका शो हो रहा है ये प्रॉब्लम मान के चलिए आज आया है, टुडे आया है, तो 2-3 दिन पीछे आपका ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका सिस्टम जो है वो 2-3 दिन पीछे जाएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, माने आपका जो सिस्टम जैसा भी था 2-3 दिन पीछे वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो आपको करना क्या है जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको चूज ए डिफरेंट रिस्टोर बनाने का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दो डेट आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा, तो मैं जैसे यहाँ पे 13 वाला डेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आज 15 डेट है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे
मैं आपको दिखाता हूँ जो आज का डेट है, आज 15/2/2023 जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे दो डेट यहाँ पे शो हो रहा है, एक 15/2/2023 का ही डेट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आज के डेट के नियरली यहाँ पे जो डेट है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे 13/2/2023 यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 13 वाला डेट को सिलेक्ट किया हूँ, और आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उसी डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस 13 वाले डेट को सिलेक्ट किया हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रजिस्टर होने में किन किन लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन किन लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, और किन किन लोगों का कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है, 2 आवर्स 3 आवर्स का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस करना है और अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रिस्टोर कर लेना है, और रिस्टोर करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।